है एवरी वन वेलकम बैक माई इज़ आकाश एंड टुडे वी आर गोइंग टू मेक इवैलुएशन ईजी फॉर यू आपके एग्जाम्स में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से इवेलुएशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है वाई बिकॉज इट्स नॉट थ्योरी बेस्ड इट इज़ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपको थोड़े कंसेप्ट उनका फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ते हैं आपको कन्फ्यूजन मेट्रिक्स याद रखना पड़ता है सो इन दिस सेशन वी आर ट्राइंग टू कवर सम ऑफ द थिंग्स और एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको एवेल्युएशन में एटलीस्ट नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट मार्क्स आ जाएंगे सो नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव कितने के आउट ऑफ एट मार्क्स सो देर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन एवेलुएशन फर्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ कन्फ्यूजन मेट्रिक्स और हाउ टू रीड अ कन्फ्यूजन मेट्रिक्स सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो इसके ऊपर आते हैं कि आपको कंफ्यूजन मीट्रिक्स बनाना पड़ सकता है कंफ्यूजन मीट्रिक्स को रीड करना हो सकता है द द टाइप ऑफ दैट आर आर बेस्ड ऑन सो में आपके तीन या चार ही फॉर्मूलाज हैं विच इंक्लूड एक्यूरेसी प्रोसीजन रिकॉल एंड फाइनली ऑल्सो एक और है एफ वन स्कोर सो अगर आपको ये सब चीजें समझ में आने लगी तो आपको आउट ऑफ एट एटलीस्ट सेवन मार्क्स आ सकते हैं ईजिली इन इवेल्यूएशन सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जब जाते हैं वो एक्चुअली काफी लंबे क्वेश्चन होते हैं काफी ज्यादा उसमें कंटेंट होता है तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस हो जाओ देख के बट डू नॉट दीज क्वेश्चन आर द ईजीएस टू सॉल्व बिकॉज इतने सारे जो आपको सेंटेंसेज दिख रहे हैं इसमें से आपको फाइनली दो या तीन मेजर पार्ट से निकालने फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे इट इज टॉकिंग अबाउट एन ए आई बेस्ड प्रडिक्शन मॉडल सो ये जो प्रेडिक्शन मॉडल है ये क्या करता है ये चेक करता है कि कौन से रोड पे ट्रैफिक है या नहीं है द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट वी want टू प्रेडिक्ट और एक्चुअली वी want टू चेक द predictions. which the AI model मॉडल मेक्स सो आर correct? करेक्ट या फिर वो इनकरेक्ट है तो आप कैसे चेक करते हो कोई ए आई मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं सो लेट्स टेक योर एग्जाम्पल आपने पूरा साल टेंथ की पढ़ाई की है एंड यू हैव गिवन मेनी एग्जाम्स बट इवेंचुअली देर इज अ फाइनल एग्जाम इस फाइनल एग्जाम में क्या चेक किया जाता है कि आपके आंसर्स कितने करेक्ट आते हैं आपके आंसर्स कितने इनकरेक्ट आ रहे हैं जनरली इनकरेक्ट पे उतना फोकस नहीं किया जाता इन एग्जाम्स में राइट right? बट अगर आप थोड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देखोगे जैसे आई आई टी और या फिर अगर आप नीट देखोगे तो इनमें इनकरेक्ट क्वेश्चन जो हैं, ये भी इंक्लूड uh, होते हैं आपके फाइनल मार्क्स में सो वॉट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू इज यू वॉन्ट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन मेट्रिक्स वॉट डज द कन्फ्यूजन मेट्रिक्स मीन इट मीन्स हाउ कन्फ्यूज इज द ए आई मॉडल जैसे ही हम लोगों ने ये मेट्रिक्स जैसे हम लोगों ने ये टेबल क्रिएट कर दिया हमको पता चल जाएगा कि येस ये जो ए आई मॉडल है इट इज परफॉर्मिंग वेल इन सम केसेज बट दूसरे केसेज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है सो क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू क्रिएट ऑल पॉसिबल सिचुएशन

या फिर इट इज गोइंग टू कि ट्रैफिक नहीं है सेकेंड थिंग विच इज वट यू नीड टू सी इज वॉट इज द एक्चुअल रियालिटी आप कंपेयर किससे करोगे फॉर एग्जाम्पल इफ आर राइटिंग एन एग्जाम एन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है टू प्लस टू सो वॉट इज द रियालिटी यहां पर रियालिटी टू प्लस टू इज फोर बट आपने अगर मैंशन कर दिया थ्री सो वॉट डज इट है आंसर इज फॉल्स आपने गलत आंसर दिया है सो एक्जैक्टली सेम वे में हम लोग ऑल पॉसिबल सिचुएशन की परमिट एंड कॉम्बिनेशन बनाते हैं सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट केस फर्स्ट केस इज सेम इज देर अ ट्रैफिक जैम सो हर केस में आप एक ही क्वेश्चन पूछोगे कि इज देर अ ट्रैफिक जैम इज देर अ ट्राफिक जाम एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट डाउन वॉट इज द प्रोडिक्शन वर्सिज वॉट इज द रियालिटी सो फर्स्टली यू हैव टू सी द फर्स्ट केस प्रोडिक्शन इज यस योर ए आई मॉडल प्रोडिक्टेड इज ए ट्रैफिक जैम आप इसको कंपेयर किससे करोगे एंड आपके मॉडल ने यस प्रोडिक्ट किया था दैट मीन्स इट हैज प्रोडिक्टेड पॉजिटिव सो इट हैज प्रोडिक्टेड अ ट्रू पॉजिटिव आंसर वॉट इज केस टू केस टू में इज देर ट्राफिक जैम अभी आप केस टू लोगे प्रोडिक्शन में क्या है रियल प्रोडिक्शन इज नो एंड रियालिटी इज ऑल्सो नो सो यहां पर अगेन दोनों चीजें मैच कर रही हैं बेसिकली आपके ए आई मॉडल ने करेक्ट आंसर दिया है कि देर वॉज नो ट्राफिक जैम एंड रियालिटी में भी देर वॉज नो ट्रैफिक जैम सो योर आंसर वुड बी ट्रू नेगेटिव नेक्स्ट इज केस थ्री केस थ्री में आप अगेन चेक कर रहे हो वॉट मॉडल प्रोडक्ट इट प्रोडिक्टस बट द रियालिटी वॉज नो दिस टाइम यहां पर आपका रियालिटी ये नहीं है ट्रैफिक जाम था ही नहीं बट आपका जो मॉडल है वो प्रोडिक्ट कर रहा है कि इज इज अ अ अ जाम सो अगेन इट फॉल्स आंसर योर मॉडल पॉजिटिव रिप्लाई सो फॉल्स पॉजिटिव होगा केस फोर इज देर अ ट्रैफिक जाम योर मॉडल प्रोडिक्टेड नो वेर एज द रियालिटी वॉज यस सो अगेन इट इज अ फॉल्स आंसर जहां पर मॉडल ने नेगेटिव प्रेडिक्ट किया सो so हमारे पास चार केसेस आ गए हैं एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए एट द बिगिनिंग आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स बट दैट इज क्वाइट नॉर्मल आप एक और बार अगर इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करोगे इट विल बिकम वेरी इजी सो लेट्स लुक एट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है

so this is the basic way how a confusion matrix looks like so again हम लोग अगर पिछले cases देखेंगे तो what should each of these things be so yes or yes match कर रहा है which means true prediction क्या था positive यहाँ पर yes और no match नहीं कर रहा है तो so this is false What was the prediction? It was no. So it means negative. yahan पर और yahan पर अगेन आपका जो reality है वो match नहीं कर रहा hai prediction के साथ तो we say false आपका जो prediction था वो positive था So we say false positive finally आपका जो reality है एंड आपका जो prediction है यहां पर मैच कर रहा है तो वी से ट्रू जो ओरिजिनल prediction था मॉडल का दैट was अ नो और नेगेटिव सो दिस इज योर फाइनल कन्फ्यूजन मेट्रिक्स ये थोड़ा ऐसा दिखता है अगेन रिमेंबर रियालिटी वर्सेज प्रडिक्शन आप कंपेयर करते हो एंड ईच ऑफ द वैल्यूज आर ये एन नो यस एन नो फिर आप देखोगे कौन सी वैल्यूज मैच कर रही है एंड कौन सी वैल्यूज मैच नहीं कर रही है सो दिस इज द वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्ट ओवर द ईयर्स सैम्पल पेपर्स में आपके क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है नेक्स्ट इज वॉट आर द फॉर्मूलाज यू नीड टू रिमेंबर अगेन फॉर्म्यूलाज रिमेंबर करना ईजी टास्क नहीं होता है काफी लोगों के लिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है या फिर थोड़ा बोरिंग लगता है सो फॉर दिस पर्पज वी आर गोइंग टू यूज अ शॉर्टकट और अ ट्रिक बट फॉर दिस ट्रिक अगर आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है आपको कन्फ्यूजन में ट्रिक्स एकदम अच्छे से बनाना आना चाहिए ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद एक्यूरेसी एक्यूरेसी इज द सिंपलेस्ट मैट्रिक एक्यूरेसी आपके बोर्ड एग्जाम्स में कैलकुलेशन के लिए यूज होता है बिकॉज यू आर मैपिंग कि आपके कितने करेक्ट आंसर्स हैं ओवर द टोटल नंबर ऑफ आंसर्स सो एक्यूरेसी के लिए कोई शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है इट इज क्वाइट सिंपल सिंपल इन द वे दैट वी चेक द करेक्ट प्रोडिक्शन अपॉन द टोटल प्रोडिक्शंस आप अगर यहां पर देखोगे करेक्ट प्रोडिक्शंस कौन सी हैं वट डू फील आर द करेक्ट प्रोडिक्शंस सो दिस वन इज अ करेक्ट प्रोडिक्शन क्योंकि यह ट्रू है एंड दिस वन इज अ करेक्ट प्रोडिक्शन बिकॉज ये ट्रू है सो दिस कम्स आउट टू बी ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोडिक्शन टोटल नंबर ऑफ प्रोडिक्शन होगी टू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस टू नेगेटिव सो यहां पर आप सब कुछ लिख दोगे टीपी प्लस टी एन प्लस एफ पी प्लस एफ एन जस्ट बिकॉज यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एक्यूरेसी का मतलब ट्रू प्रोडिक्शंस या फिर करेक्ट प्रोडिक्शन अपॉन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडिक्शन सो इस कंफ्यूजन मेट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ वर्ड्स लिखे गए हैं बट जब आपको एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इसके बदले आपको नंबर्स मिलेंगे सो so, हम लोग वो भी देखेंगे कैसे किया जाता सो दिस वॉज अबाउट एक्यूरेसी नेक्स्ट इज प्रसिजन क्या होता है प्रेसिजन इज डिफाइंड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव नाउ सुनने में काफी कंफ्यूजिंग है तो लेट्स लुक एट द शॉर्टकट सो नेक्स्ट इज प्रेसिजन प्रेसिजन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है आपको क्या करना है आपको ये कॉलम लेना है विच इज टीपी इसको डिवाइड करना है ये पूरे कॉलम से विच इज टी पी प्लस एफ पी सो दिस इज योर प्रेसिजन क्वाइट सिंपल एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट अ प्रेसिजन फॉर्मूला आपको याद अगर नहीं रखना है तो इसके लिए आपको ये कंफ्यूजन मेट्रिक्स आना चाहिए उसके बाद क्या आता है उसके बाद आता है आपका रिकॉल रिकॉल में भी हम लोग सेम वे यूज कर सकते हैं अगेन

And what is F1 score? F1 score is nothing but 2 into precision into recall upon precision plus recall. So ye sabse simple ये सबसे सिंपल वे है आपको rakhne ka याद रखने का अगर आप ये फॉर्मूला देखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सो एवरी टाइम यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द एफ वन स्कोर यू कैन डायरेक्टली फर्स्ट कैलकुलेट द लकुलेट द रिकॉल एंड उसके बाद आप एफ वन स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो देर इज इट इज वेरी रेयर कि आपको सिर्फ एफ वन स्कोर पूछा जाए एग्जाम में जनरली क्या होता है आपको चारों चीजें या तीनों चीजें पूछी जाती है इंक्लूडिंग एक्ूरेसी प्रेसिजन रिकॉल एंड एफ वन स्कोर सो बाय द टाइम यू डू दीज थ्री आपको एफ वन स्कोर का जो फॉर्मूला है वो ईजी हो जाएगा काफी कैलकुलेट करना सो इन फॉर्मूलाज के ऊपर जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं फॉलोइंग इज अ मॉडल दैट प्रडिक्ट हार्ट अटैक इन पेशेंट्स, सो एक ए आई मॉडल क्रिएट किया गया यूजिंग सम इनपुट्स इट वॉज इवेल्यूएटेड कि हाउ इज इट हाउ गुड इज इज इट आर प्रेडिक्टिंग हार्ट अटैक इन पेशेंट्स ठीक है तो हम लोग इसमें चार चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं फर्स्ट इज एक्यूरेसी, सो बिफोर इवन राइटिंग ऑल दैट सो देर इज अ शॉर्टकट टू दिस जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा कि एक ए मॉडल है वो कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है हमें इतने सारे मेट्रिक्स कैलकुलेट करने है एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज सजेस्ट विच मेट्रिक वुड बी द बेस्ट टू देश दिस मॉडल वो हम लोग बाद में देखते हैं सो वंस यू सी दिस कंफ्यूजन मेट्रिक आपको क्या करना है आपको सारे कॉलम्स और रोज को एड करना है उनके नीचे उनका सम लिख देना है सो फिफ्टी प्लस फिफ्टीन इज सिक्स थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव इज फिफ्टी फाइव अगेन इसरो का सम क्या है फिफ्टी प्लस थर्टी इज एटी फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव इज फोर्टी ओके सो टोटल क्या हो गया अगर आप इस वे में टोटल करोगे या ऊपर से नीचे टोटल करोगे आपको मिलेगा आंसर वन ट्वेंटी सो दिस शुड बी ऑर फर्स्ट स्टेप आपको कंफ्यूजन मेट्रिक देखा अपने सारे रोज और कॉलम्स को सम करके उनकी वैल्यूज लिख दी नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू फाइंड आउट ऑल द मैट्रिक्स फर्स्ट इज एक्सी उसके बाद प्रेसिजन है एंड उसके बाद है रिकॉल वी विल नॉट यूज द फॉर्मुलाज डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे सो फर्स्ट प्लस ट्वेंटी 25 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ प्रोडिक्शन विच इज 120. टी so, सो इससे आपको एक्यूरेसी की वैल्यू मिल जाएगी सो दिस कम्स आउट टू बी 75 फाइव अपॉन वन ट्वेंटी सो फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी फोर फाइव बाई एट आप इसको डेसिमल्स में कैलकुलेट कर सकते हो ऑलमोस्ट आएगा पॉइंट सिक्स सेवन अराउंड सो आप आधर ये भी लिख सकते हो या फिर आप सिक्सटी सेवन परसेंट भी लिख सकते हो ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एक्यूरेसी नेक्स्ट इज प्रेसिजन प्रेसिजन का क्या फॉर्मूला था टीपी विच इज फिफ्टी अपॉन दिस एंटायर रो दिस एंटायर रो का सम क्या है एटी वी से फिफ्टी अपॉन एटी So, this comes out to be around around again six zero point six two five I guess not sure but आप अगर इसको decimal में लिखोगे तो भी सही है अगर आप इसको percentage में लिखोगे तो भी सही है ओके okay. next one is recall a recall ke le kya formula tha? let's just quickly look at it this cell which is again 50 upon this entire row iski value getting 65 so 50 upon 65 which is basically 10 by 13 and again it automatically comes to around 0.7 something सो so, आप अगेन इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हो इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो दोनों वैल्यूज आर वैलिड सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ऑल द मेट्रिक्स अगेन एफ वन स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना टू इंटू प्रेसिजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रेसिजन प्लस रिकॉल सो दिस इज सिंपल फॉर्मुला ऑफ कैलकुलेटिंग द एफ वन स्कोर सो हम लोगों ने मेट्रिक्स तो कैलकुलेट कर लिया यू ऑल्सो नीड टू सजेस्ट ट्रिक वुड बी द बेस्ट टू इवेल्युएट दिस मॉडल सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कौन सा मैट्रिक आपको कंसिडर करना चाहिए आपके पास कौन कौन से मैट्रिक्स हैं आपके पास एक्यूरेसी है आपके पास प्रेसिजन है एंड आपके पास रिकॉल है सो लेट्स जस्ट लुक एट दिस प्रेसिजन क्या क्या कंसिडर करता है आपका ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव आपका रिकॉल क्या कंसिडर करता है ट्रू पॉजिटिव एंडटिव सो ये जो दो टर्म्स है हमारा जो ए आई मॉडल है वो हार्ट अटैक प्रिडिक्ट कर रहा है सो ऑब्वियसली अगर वो जो मॉडल है उसने प्रेडिक्ट किया

वेरी चेक कि आपको हार्ट अटैक आया नहीं आया सो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया पॉजिटिव yes, आपको हार्ट अटैक आया था बट इट इज फॉल्स सो इट डज नॉट मैटर बिकॉज ही इज सेफ बट वॉट इफ द मॉडल प्रडिक्टेड नेगेटिव एंड दैट वॉज फॉल्स मॉडल ने प्रडिक्ट किया कि नहीं आपको हार्ट अटैक नहीं आ रहा है बट एक्चुअली उसको हार्ट अटैक आ रहा है सो दिस बिकम्स वेरी नेसेसरी इन दिस केस बिकॉज अगर आप नेगेटिव कुछ प्रडिक्ट कर रहे हो आपको हमेशा करेक्ट होना पड़ेगा आप गलत नहीं हो सकते सो so जो फॉल्स नेगेटिव है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रडिक्टिंग हार्ट अटैक अगर आप दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करोगे जहाँ पर एक मॉडल है वो कोविड प्रडिक्ट कर रहा है कि कोविड पॉजिटिव हो या कोविड नेगेटिव हो अगर आपने किसी को नेगेटिव प्रडिक्ट किया बट वो एक्चुअली गलत प्रडिक्शन है विच अगेन इज फॉल्स नेगेटिव इट इज वेरी बैड बिकॉज हो सकता है वो जो कोविड है बाकी लोगों को फैल जाए सो इन दिस केस फॉल्स नेगेटिव बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर सो फॉल्स नेगेटिव जो आपका यहाँ पर आता है कौन सा मेट्रिक कंसिडर करता है फॉल्स नेगेटिव को इट इज आर रिकॉल सो आर रिकॉल वैल्यू इज डिफाइंड एज पी अपॉन टीपी प्लस एफ एन राइट सो हमारा रिकॉल पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो एवरी टाइम यू नीड टू सी की आपका मॉडल जो प्रोडिक्ट कर रहा है उसमें नेगेटिव का ज्यादा वेटेज है या पॉजिटिव का ज्यादा वेटेज है सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व अन अदर क्वेश्चन जहां पर हम लोग कंफ्यूजन मेट्रिक देखेंगे सो इन स्कूल अ लॉट ऑफ टाइम इट है टू ड्रिंक आउट ऑफ फ्यू प्लेसेस सेज ऑफ वाटर शॉर्टेज इन स्कूल्स आर वेरी कॉमन सो बेसिकली क्या है आपका एक ए आई मॉडल है वो प्रेडिक्ट करेगा कि एट वन पर्टिकुलर टाइम स्कूल में वाटर शॉर्टेज होने वाला है या नहीं उसके लिए एक कन्फ्यूजन मेट्रिक दिया हुआ है। सो वॉट डू यू नीड टू कैलकुलेट यू नीड टू कैलकुलेट द एक्सी प्रसिजन रिकॉल एंड फाइनली एफ वन स्कोर सो लेट्स ट्राई टू डू दिस बाय द शॉर्टकट अगेन एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं दिस प्लस दिस वी मिस्ड वन स्टेप सो हम लोग सम ले लेते हैं यहां पर सबका सिक्सटी नाइन थर्टी फोर वन ट्वेंटी फाइव वन सिक्सटी फाइव वन नाइंटी नाइन एंड वी जस्ट सब्ट्रैक्ट इट सो वी जस्ट से वन थर्टी ओके सो दीज आर आर वैल्यू सो एक्सी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्वेंटी टू प्लस वन वन एट अपॉन टोटल विच इज वन वन नाइन प्रोसीजन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे

याद रखना है सो so आपको सबसे पहले कंफ्यूजन मेट्रिक याद करना पड़ेगा एंड जस्ट रिमेंबर हाउ ऑल ऑफ थिंग्स आर कैलकुलेटेड सो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन एंड द सेकेंड इज फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन सो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ईजिली एट आउट ऑफ नाइन मार्क्स दिलवा सकते हैं इन इवेल्युएशन ओके सो आई होप दिस सेशन वॉज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड बट अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है आई वुड सजेस्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन ड्यूरिंग द विडियो इट से या फिर अटलीस्ट एक या दो बार देखो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा इवेल्युएशन एंड दिस इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्योंकि इवेल्युएशन में सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं सो दिस वॉज इट फ्रॉम माइंड आई बी सींग नेक्स्ट वन टिले ऑल्सो बाय